हाँ मेरे भाई भगत सिंह, तू जेल के अंदर मुझसे मिलने के लिए आई है? आई हूँ। तेरे पास केवल 5 मिनट का वक्त है बहन, जल्दी जल्दी बता कर तेरे दिल में कोई बात हो तो। मेरे भाई भगत सिंह, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, ओए होए। और तेरी ये बहन अमर कौर आज तेरी कलाई पर राखी बांधने के लिए तुझे आई है। बहन देखो, रक्षाबंधन का त्योहार, राखी पहुंची लेके आई है, जेल के अंदर 3 राखी लेके आई है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के लिए। लेकिन बहन आज तो तुम्हें राखी बांधेगी, क्या तुझे पता है कल सुबह 4 बजे तेरे भाई भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी तोड़ दिया जाएगा। यही बात सोचकर मैं आज, मेरे मन में बहुत दुख है मेरे भाई भगत सिंह। मैं ये बात सोच रही हूँ कि आज राखी का त्योहार है, मैं आज तो तुझे राखी बांधूंगी, लेकिन जब अगली बार राखी का त्योहार आएगा तो मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी। यही बात सोचकर तेरी ये बहन अमर कौर मन ही मन रो रही है। और मेरे भाई भगत सिंह, तेरी ये बहन अमर कौर तुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए आई है। नहीं, मुझे सजाए मौत का हुक्म मिल गया, उस हाकिम ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया तो मैं घर नहीं जा सकता। अगर तुझे मौत का हुक्म दे भी दिया है तो तू एक काम कर, तू उस हाकिम से जाकर माफी मांग ले। मेरे मरने की तू शुक्र मना क्यों? अगर बात अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। देखो कितनी बड़ी बात कही के बहन, मैं मर गया तो मेरे हिंद के सुनने डेरे हो जाएंगे, और मेरे मरने के बाद मेरे देश में लाखों करोड़ों भगत सिंह और पैदा हो जाएंगे। लेकिन भाई, और पैदा हो जाएंगे। क्या तू एक बार हमारी तरफ नहीं देख रहा कि तेरे जाने के बाद हमारा क्या हाल होगा? बहन मैं तेरी अकेले के तरफ नहीं देख रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की मेरी बहनों की तरफ देख रहा हूँ, जिनके भाई अंग्रेजों ने गोली मार के, फांसी मार के जान तो मार दी, उनका ख्याल करके मैं क्रांतिकारी बना हूँ। तेरी ये बहन अमर कौर तुझसे कुछ फरियाद करने के लिए जेल के अंदर आई है मेरे भाई भगत सिंह। क्या कहना चाहती है? सुन मेरी बात। कह दे बहन। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार गो, ओ बहन हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। अब सुनिए भगत सिंह क्या कहता है, क्या कहा? जब आवेगा भगत सिंह त्योहार, मेरे भाई मैं बांधूंगी राखी किसके हाथ में। हाँ मेरे भाई। तो बहन राखी बंधवाने के लिए कौन तैयार है? इस देश ते जुड़ा है बहन प्यार हो, घबराई भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। हे देश ते जुड़ा है भारत रहेगा तेरे साथ में। आज तेरा भाई इस देश के लिए शहीद होने के लिए जा रहा है। यही तो मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई भगत सिंह तू ऐसे ही फांसी पे चढ़ जाए। ए बहन, तू आज फांसी पे चढ़ रहा है लेकिन तू अकेला इस देश में आजादी नहीं ला सकता मेरे भाई। अरे मरना तो वो सफल है जिस पे दुनिया अफसोस करे, वरना सभी पैदा होते हैं दुनिया में मरने के लिए। लेकिन मेरे भाई भगत सिंह,
तेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों ने इस देश के ऊपर जान निछावर कर दी बहन, लेकिन इस देश में आजादी नहीं आई, तू भी मर गया, राजगुरु सुखदेव भी मर गए, तो क्या हो जाएगा, तब भी आजादी नहीं आएगी मेरे भाई। हम मरेंगे नहीं, हम लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। और बहन हम मरेंगे नहीं, हम देश के ऊपर शहीद हो रहे हैं। जब तक ये धरती और आसमान रहेगा तब तक इन शहीदों का दोस्तों नाम रहेगा, नाम रहेगा। सुन मेरी बात, क्या बहना कहाल होगा, गांव गली सब कुटम कबीला सभी के मलाल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा, मतलब का जमाना सारा फिर किसी को न ख्याल होगा। अरे जीना है, जीना है बेकार जगत में, जिसे देश की कोना मेरे, जीना है बेकार जगत में, जिसे देश की कोना मेरे, देश की खातर जान झोंक दे वो ही तो कवाजा शेर, हंसी खुशी घर चली जाइए आंसू क्यों रही सहगे, हंसी खुशी घर चली जाइए आंसू क्यों रही सहगे, ना किसी पे ऐसी मार हो कर मन के चाहे पाती ना समाई मेरे गात में, हे देश ते जुड़ा है बहन प्यार हो, तोरी बेबे क्यों घबराई, भारत रहेगा मेरे साथ में। तेरी इस बहन ने जो तेरे लिए सपने देखे हैं, उन सपनों को कौन पूरा करेगा मेरे भाई भगत सिंह। माँ ने सपना देखा था कि भगत सिंह की शादी होगी, एक सुंदर सी दुल्हन हमारे घर में आएगी, लेकिन अब कौन तो मेरी माँ के लिए दुल्हन लेकर आएगा और कौन मेरे लिए भाभी लेके आएगा मेरे भाई भगत सिंह। बहन माता जी के लिए मैं दुल्हन भी लेके आऊंगा और तेरे लिए मैं भाभी भी लेकर के आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहेगा। कैसे? देखिए क्या कहा भगत सिंह ने कि बहन ये फांसी नहीं, ये तो हमारी शादी हो रही है, हम फांसी के फंदे से शादी करेंगे और दुल्हन के रूप में मेरे हिंदुस्तान में आजादी को लेकर के आएंगे, आजादी को लेकर के आएंगे। बहन सुन मेरी बात, जा बहन घर जा। लड़ाई बैठी तेरे ऊपर भगत सिंह वाह, बड़ी दुख ठाए बैठी, मेरा बूढ़ा पकट जागा न्यू तुझसे आस लगाए बैठी, मेरा बूढ़ा पकट जागा न्यू तुझसे आस लगाए बैठी। अरे 900 बरस गुलामी भोगी, 700 साल मुसलमानों की और 200 बरस अंग्रेजों की, 900 बरस गुलामी भोगी,
सारे याद मुझे इतिहास, आजादी की ढोल बजेंगे तब पूरी होगी मेरी आस। बोली भाली बाण कहानी सुनती जाइए मेरी आस, बोली भाली बाण कहानी सुनती जाइए मेरी खास। सिर पे उठाया कैसा मार गो हो मां दुखड़े पावे रोया करेगी दिन रात में। इसी देश से जुड़ा है बहन प्यार, रिपे पे क्यों घबराई भारत रहेगा तेरे साथ भाई। मैं तो एक बात जानता हूँ बस। क्या है प्री जहांगीरी सदा है, प्री जहांगीरी सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ। चाहिए अपना भीर डगमग हृदय डोल रहा मेरे आंखों से रुके नानी, ब्याह भात के मुंह की पे कोने भगत सिंह उड़ावे चीर, ब्याह भात के मुंह के पे कोने भगत सिंह उड़ावे चीर। ए बेबे तने इस बात की चिंता के ब्याह शादी में कौन तेरा भात भरेगा? हाँ मेरे भाई। कौन तेरे सर पे दखनी चीर धरेगा? हाँ। ए बहन केवल तीन बात कहूंगा तुझे, तेरी आंखों में आंसू है, अगर तेरा एक आंसू भी यहाँ जेल में पड़ गया तो तेरे तीनों भाइयों की शहादत कुर्बानी खराब हो जाएगी। अगर तू इस शेर की बहन है तो मेरी बात सुन और मेरा एक संदेश किसको देना, और बहन तू भी एक संदेश सुनती जा। कह दे मेरे भाई। तू शेरों की बहन शेरनी, तू शेरों की बहन शेरनी, मेरे परम आदरणीय बहुत अच्छे मित्र आदरणीय साधुराम बिश्नोई जी डीएसपी कणीना हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली देशभक्ति रागनी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आइए पधारिए, एक छोटे से निवेदन पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी। चाहिए अपना भीर ढगमग हृदय डोल रहा मेरे आंखों से रुके नानीर, ब्याह भात के मुंह के पे कोने भगत सिंह उड़ावे चीर, ब्याह भात के मुंह के पे कोने भगत सिंह उड़ावे चीर। अरे तू शेरा की बहन शेरनी, रोने का न लीजे नाम, तू शेरों की बहन शेरनी, रोने का न लीजे नाम, माता जी को समझाना मेरे दादा को अंतिम परिणाम। ताली चाहूंगा बात अच्छी लगे तो
धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रही गुलाम, धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रही गुलाम। माया तेरी करता दिखा है, मैं भी मरूंगी तेरे साथ में। इसी देश ते जुड़ा है बहन प्यार, तेरे क्यों घबराई भारत रहेगा तेरे साथ में। हाँ मेरे भाई, ना बहन तेरी ये बहन अमर कौर तो अकेले की अकेली रह गई। मेरे भाई तेरी इस बहन अमर कौर को कोई आजादी नहीं चाहिए, कोई देश को आजाद नहीं कराना। तू सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे कि जिस हाकिम ने तुझे सजा सुनाई है उस हाकिम से अपनी बहन को मिला। जिस हाकिम ने भगत सिंह को सजा सुनाई तू उससे मिलना चाहती है? हाँ मेरे भाई। क्या करेगी? मैं उस हाकिम के हाथ जोड़ूंगी, अमर कौर, पैर पकड़ूंगी, खामोश हो जा, चोली फैलाकर भी अमर कौर, एक शब्द भी मत बोलना। अरे माफी, माफी मांगू? हाँ बहन, माफी वो इंसान मांगता है जो गुलाम होता है, माफी वो इंसान मांगता है जो गलत होता है। ना तो भगत सिंह किसी का गुलाम और ना कभी गलत, देश के लिए मरूंगा मिट जाऊंगा। मैं मानती हूँ कि तू गलत नहीं है, लेकिन मेरे भाई भगत सिंह मैं तुझे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। मैं उस हाकिम से जाकर कहूंगी कि मेरे भाई भगत सिंह को छोड़ दो, चाहे बेशक से मुझे फांसी लगा दो, लेकिन मेरे भाई भगत सिंह को फांसी मत लगाओ। अमर कौर भावना में बहरिए लोगो, क्यों अमर कौर को चिंता है तेरे बच्चों की शादी होगी, कौन भात भरेगा, कौन सर पे दखनी चीर धरेगा, ये भेद खोलेगा बहन तेरा भात भरने हमारे बाद कौन आएगा। और दिल को बात छुए तो सम्मान करना भगत सिंह का। लोगों सुनिए आखिर में क्या कहा। राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा दो भाई, जिस हाकिम ने सजा सुनाई उस ते मुझे मिला दो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। बच्चा बच्चा तीनों लाइन में दम लगे तो सम्मान करना। सुनिए, बच्चा 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 बोलेगा मारा परले तक गुणगान होगा। और राखी, हाँ मेरे भाई, पहुंची तेरी राखी के नेग जोग में बहन मारा बलिदान होगा। अरे कह जयकरण न्यू कह दी तेरा भाती हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो, ये पूजा गावे सुरती लगा के दुर्गे मात में। देश ते जुड़ा है बहन प्यार, हृदय पे क्यों घबराई भारत रहेगा तेरे साथ। भगत सिंह मेरी
भारत रहेगा तेरे साथ मैं।